नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, सितंबर से जो है आपके दिलीप ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है। और दिलीप ट्रॉफी के स्टार्ट होने से पहले जो रूमर्स चल रहे थे कि जो है विराट कोहली आपके रोहित शर्मा और उसके बाद जो है आपके जसप्रीत बुमराह और जो है रविचंद्रन अश्विन जैसे बिग फोर जो आपके टेस्ट टीम के, इनको भी जो है ये मतलब दिलीप ट्रॉफी में जो है मतलब पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बट जो बीसीसीआई ने जो आज टीमें अनाउंस करी है चारों टीमें, तो उसमें से पर्दा उठ चुका है। और चारों टीमों की बात करें तो चारों टीमों में जो है मतलब कैप्टन्स की बात करें चाहे आप प्लेयर्स की बात करें, तो बड़े बड़े नामों को जो है रखा गया है। चाहे आप केएल राहुल की बात करें, आप रविंद्र जडेजा की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, तो सभी को जो है खेलना पड़ेगा। और टीमों के बारे में जो आगे बात करूँगा, उससे पहले जो है मतलब इन चार प्लेयरों को जो मतलब मैं आपको बोल चुका हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन और स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह को जो है मतलब बांग्लादेश के जो खिलाफ सीरीज होने वाली है, उससे पहले जो उम्मीदें या अटकलों का बाजार बहुत गर्म था कि इनको भी जो है दिलीप ट्रॉफी में खेलना पड़ेगा, तो उस पर जो है मतलब सस्पेंस से जो पर्दा उठ चुका है, उनको नहीं खेलना है और वो डायरेक्ट जो है आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे आपको। अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अदर तीन की बात करें तो वो जो है आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे बांग्लादेश के खिलाफ। और अगर वहीं बात की जाए जो चार कैप्टन नियुक्त किए गए दिलीप ट्रॉफी के, तो उसमें आपके शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, अभिमन्यु ईश्वरन है और आपके जो है ऋतुराज गायकवाड़ है। तो ये चार जो है चार टीमें हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, इन चारों टीम को जो है लीड करेंगे। अगर हम वही बात की जाए, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव, ये सब जो है मतलब फीचर मतलब इसमें जो है दिखेंगे आपको। और एज वेल एज ईशान किशन को भी आप खेलते हुए देखेंगे। हु करंटली डजंट होल्ड ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ईशान किशन के पास जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अगर हम वही बात की जाए मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी जो है अभी भी रिकवर कर रहे हैं इंजरी से, एंकल इंजरी से, तो उनको पिक नहीं किया गया है। और अगर हम बात करें चारों टीम के मतलब टीम की बात करें, तो टीम ए की बात करें तो टीम ए में जो है शुभमन गिल को कैप्टन रखा गया, उनके साथ मयंक अग्रवाल है, उसके बाद रियान पराग है, ध्रुव जुरेल है, केएल राहुल को इस टीम में रखा गया है, तिलक वर्मा की बात करें, शिवम दुबे की बात करें, धनुष कोटियान की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, इस खलील अहमद, आवेश खान, विधावत कापारापेन कुमार कुसांगा और शशांत रावत। तो टीम बहुत मजबूत दिख रही है, चाहे बैटिंग की बात कर ले चाहे आप बॉलिंग की बात कर ले। अगर वहीं टीम बी की बात करें, उसमें जो है अभिमन्यु ईश्वरन को कैप्टन रखा गया और इसमें जो है आपके जो प्लेयर शामिल है उसमें आपके यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, मुसीर खान, नीतीश कुमार रेड्डी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, बट वो भी शायद अवेलेबल होंगे। उसके बाद आपके जो है मतलब वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल, आपके मुकेश कुमार, राहुल चहर, आर साई किशोर, मोहम्मद अवस्थी और एन जगदीशन एज ए विकेट कीपर खेलेंगे। ये टीम भी बेहतरीन है और इसमें भी जो है आपके मतलब सरफराज खान और ऋषभ पंत जैसे विस्फोटक प्लेयर आपको दिख सकते हैं। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो वो भी विस्फोटक पारियाँ खेलते हैं और टीम बेहतरीन है। अगर टीम सी की बात करें, उसमें आपके जो है ऋतुराज गायकवाड़, शाय सुदर्शन, उसके बाद आपके रजत पाटीदार, अभिषेक पोरल को एज ए विकेट कीपर रखा गया है, सूर्य कुमार यादव, बाबा अप इंद्रजीत, ऋतिक शौकीन, मानव सुतन, उमरान मलिक, वयस्क विजय कुमार, उसके बाद आपके जो है मतलब अंशुल कंबोज, हिमांशु चौहान, आपके मयंक मारकंडे, आर्यन जुरेल, संदीप वॉरियर। तो ये भी टीम आपकी मजबूत दिख रही है। और अगर हम बात करें टीम सी के कैप्टन की, तो ऋतुराज गायकवाड़ जो टेस्ट मैचेस में अच्छा करते आए हैं, डोमेस्टिक की बात करें तो उम्मीद है इस बार भी अच्छा करेंगे वो। अगर हम टीम डी की बात करें, तो उसमें जो है आपके श्रेयस अय्यर कैप्टन रखा गया उनको। और अगर हम उनकी टीम की बात करें, तो उसमें जो है अथर्व टाइडे, यश दुबे, देवदूत पाडिकल, ईशान किशन को एज ए विकेट कीपर रखा गया। और ईशान किशन की बात करें, तो 23 के दिसंबर में आपने उनको ब्लू जर्सी में खेलते हुए देखा था, उसके बाद जो है उनके पास जो है बीसीसीआई का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी छीन लिया गया और थोड़ी बहुत जो है मतलब फाटिक वगैरह का उन्होंने रीजन बनाया था, तो वो उनकी जो है करियर पे भारी पड़ सकती है। बट जो है इनके पास मौका है, ये इस जो दिलीप ट्रॉफी में प्रदर्शन करें और बीसीसीआई को दोबारा बोले आई एम रेडी टू प्ले फॉर टीम इंडिया। और अगर उसके बाद बात करें रिक्की भुई, सारांश जैन, उसके बाद अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, आदित्य ठाकरे, हर्षित राणा, तुषार देशपांडे, आकाश सेन गुप्ता, के एस भरत एज ए विकेट कीपर खेलेंगे और सौरभ
कुमार, तो मतलब टीमें बहुत बेहतरीन है और टीम जो है मतलब उम्मीद है बेहतरीन भी करेगी। और अगर वहीं बात करें नीतीश कुमार रेड्डी जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड इन टीम बी इन दिल्ली ट्रॉफी विल बी अवेलेबल ओनली इफ़ ही पासिस द फिटनेस टेस्ट। मतलब वो टीम बी में शामिल है, अगर वो फिटनेस टेस्ट पास करते हैं उसके बाद ही जो है वो टीम में मतलब शामिल होंगे। उसके बाद वंस द स्क्वाड फॉर बांग्लादेश टेस्ट बिगिनिंग फ्रॉम 19 सितंबर द प्लेयर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया विल बी रिप्लेस्ड इन द दिलीप ट्रॉफी स्क्वाड एंड बीसीसीआई जो है आपकी कंफर्म द प्रेस रिलीज। मतलब बीसीसीआई जो है रिलीज करेगी और जो है इनमें से जो प्लेयर टीम मतलब बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाएगी उसमें से रिलीज कर देंगे उनको और अदर प्लेयर वगैरह को मौका वगैरह मिल सकता है। तो ये आपकी टीमें थी और बिग न्यूज़ आ रही है कि विराट कोहली रोहित शर्मा आपके जो विराट कोहली रोहित शर्मा रविचंद्रन अश्विन और आपके जो है स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह को जो है दिलीप ट्रॉफी में नहीं खिलाया गया या उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। उनके ऊपर बीसीसीआई के मतलब चीफ सिलेक्टर की बात करें या मतलब जैसा की बात करें या अजीत आगरकर वगैरह की बात करें तो उनको विश्वास है वो अच्छे प्लेयर है बड़े प्लेयर है, उनको जो है दिलीप ट्रॉफी खेलने की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्ट आपको खेलते हुए दिखेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ है। और अगर आपको इन चार में से कौन सी टीम मजबूत लगती है और अगर आपको लगता है ये टीम जो है मतलब कौन सी टीम दिलीप ट्रॉफी का जो मतलब खिताब उठाने के लिए मतलब आपको प्रबल दावेदार लगते हैं तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जो है मतलब जो दिलीप ट्रॉफी के लिए टीम जो है आपकी अनाउंस हुई, तो उसी के बारे में वीडियो था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों वगैरह में फैला सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।